मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चार दशक बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सत्ताधारी दल को प्रचंड बहुमत मिलेगा। स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्रों से विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। शेष 27 सीटों में भी अधिकांश पर भाजपा की ही जीत होगी। विधानसभा के साथ विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत होने से सरकार लोक कल्याण के कार्यक्रमों, महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन, युवाओं के रोजगार, अन्नदाता किसानों व श्रमिकों के हित में और भी बेहतर काम करने में सक्षम होगी। शनिवार सुबह गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के चुनाव में बतौर गोरखपुर नगर विधायक मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 की भांति 2022 में भी भाजपा ने 2/3 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। चार दशक बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत हासिल करेगा। इस चुनाव में जो भी मतदाता हैं, उनसे अपील है कि लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों को अपना वोट दें। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में विधान परिषद में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। नकारात्मक भूमिका से समाजवादी पार्टी विकास व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को अवरुद्ध करती थी, लेकिन इस चुनाव के बाद में विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत हासिल हो जाएगा और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम व विकास के कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी, लेकिन गरीबों के आसियाने नहीं उजाड़े जाएंगे। पहले पेशेवर माफिया व अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर सरकारी, सार्वजनिक, गरीबों व व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करते थे। इसके खिलाफ एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब तक पेशेवर माफियाओं से 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी तब तक नहीं हटाएंगे जब तक उसे आवास न उपलब्ध करा दिया जाए। यदि भूमि आरक्षित श्रेणी की नहीं है तो गरीब को वही पट्टा दे दिया जाए। यदि आरक्षित श्रेणी की है तो उसे अन्यत्र आवास उपलब्ध कराया जाए। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर के सुव्यवस्थित पुनर्वास व स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। एंटी भूमाफिया की कार्रवाई पेशेवर माफिया के लिए है, गरीबों के प्रति नहीं। गरीबों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल हैक होने के सवाल पर सीएम ने कहा कि एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला, गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह के साथ नगर निगम में बनाए गए बूथ पर मतदान करने के बाद सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्र, महाअष्टमी व रामनवमी की बधाई दी व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कल रामनवमी की तिथि पर प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए अयोध्या में विशेष समारोह होंगे। शासन ने संतों के मार्गदर्शन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के विशेष निर्देश दिए हैं। जगह ज्यादा दे रहे हैं क्या? और पीछे मित्रों, बासंती नवरात्र की आज अष्टमी तिथि है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को महाअष्टमी की
हृदय से बधाई देता हूँ। नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे प्रदेश में जगत जननी माँ भगवती दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम पूरी श्रद्धा विश्वास और उत्साह और उमंग के माहौल में श्रद्धालुजनों ने हर जगह आयोजित किए हैं और ये निरंतर कल तक चलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था की है। कल रामनवमी की भी पावन तिथि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का पावन तिथि अयोध्या धाम में विशेष समारोह होंगे। जगह जगह नवमी की स्थिति पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। शासन ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन को श्रद्धालुजनों की सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के पहले से निर्देश दिए हैं और उस पर प्रशासन पूरी तत्परता के साथ पूज्य संतों के मार्गदर्शन में श्रद्धालुजनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। महाअष्टमी की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है, तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहां पर करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मेरे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिवप्रताप शुक्ला जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी और अन्य जनप्रतिनिधि भी अभी मतदान किए हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया है और प्रचंड बहुमत की अपनी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बनाने में सफल हुए हैं। विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा और मेरी प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए जो भी मतदाता हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, पार्षद, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मान्य विधायक, मान्य सांसद, मेरी उन सब से अपील है कि प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों में एक पार्टी की
पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। विधानसभा में 2017 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। 2022 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से प्रदेश में बन चुकी है। 2017 में जब हम लोग आए थे विधानसभा में हमारा प्रचंड बहुमत था, लेकिन विधान परिषद में तमाम कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था और अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाजवादी पार्टी प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन अब स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है और प्रचंड बहुमत के साथ 36 में से अधिकतर सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के विकास को, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई और उनके स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को, नौजवानों के रोजगार से जुड़े हुए कार्यक्रमों को, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए, श्रमिकों के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार और बेहतर तरीके से कार्य करने में सक्षम होगी। और मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी वो समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को, चुने गए जनप्रतिनिधियों का अवश्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्रि, महाअष्टमी की तिथि, महानवमी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मदिवस रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जी, आपने कहा कि गरीबों का आशियाना ना उजाड़े, अधिकारियों को आपने निर्देश दिया, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सरकार के सुरक्षा और कानून, बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता जनार्दन का, खासतौर पर आधी आबादी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेज का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे को, कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भू माफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है,
तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहाँ उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आरक्षित श्रेणी की है तो उन स्थितियों में उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के बाद फिर व्यवस्था देंगे। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था और उन्हें सुरक्षित रूप से अपने रोजगार को उपलब्ध करवाने की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके पीएम स्वनिधि का भी उपयोग करते हुए राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है। और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब निरीह कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है। और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। एजेंसियां उस पर कार्य कर रही हैं, देख रही हैं। थैंक यू, धन्यवाद जी।